बस बिहार झारखंड की ओर से आप सभी दर्शकों को महाअष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। देखिए इस बार जो है दुर्गा पूजा देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और कारण है पिछले 2 सालों से हम कोरोना काल की वजह से दुर्गा पूजा ठीक तरीके से मना नहीं पाए। इस वक्त देखिए हम राजधानी पटना के मंदिरी स्थित इलाके में हैं और यहाँ की प्रतिमा कुछ अलग है। साफ तौर पर आप देखिए जो प्रतिमा इस बार बैठाया गया है वो खड़े धनिया से बनाया गया है और आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने इसे मिलकर बनाया है। कई दिन लगते हैं इसे बनाने में और ये आकर्षण का केंद्र बना है, पटना का मंदिर इलाका है। और साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें निकल के यहाँ से आ रही हैं वो दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है वो अलग ढंग से बनाया गया है और काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। किस तरह से बनाया गया है और क्या खास है इस प्रतिमा में, हम थोड़ा बात कर लेंगे। क्या चीज़ से बनाया गया है प्रतिमा? धनिया से। कितना दिन लगा इसको बनाने? 5 दिन लगा। अच्छा, खड़ा धनिया से बनाया? खड़े धनिया। कौन बनाया ये? तो इस बार तो पास हुए थे, बहुत कम टाइम मिला था हम लोग को बनाने के लिए, तो बहुत कम टाइम में ही बनाया गया है। 15 दिन टाइम मिला था। जब आगे खास है इसमें और कैसे बनाया आप लोगों ने ये? इसमें खास यही है कि ये खूबसूरती इसकी धनिया की मूर्ति बनी हुई है ये। कितना दिन लगता है इसे बनाने में? और बनाने में तो 1 मंथ लग जाती है, लेकिन इस बार बहुत कम टाइम दिया गया है बनाने के लिए, तो हम लोग रात दिन मेहनत करके इसको बनाए हैं। आप लोग आर्ट्स कॉलेज? आर्ट कॉलेज, पास आउट आर्ट कॉलेज से हैं। कितने लोगों ने मिलकर बनाया ये? करीब 10 लोग हैं हम लोग, 10 लोग का टीम है हम लोग का। 10 लोगों का टीम है। चलिए देखिए 10 लोगों का टीम है और इसके पहले भी हमने आपको बताया था आर्ट्स कॉलेज के छात्रों और छात्राओं ने मिलकर इसे बनाया है। ये आकर्षण का केंद्र है, पटना का मंदिरी इलाका है और दुर्गा पूजा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। चूँकि 2 सालों से लोगों ने खुद को कैद कर रखा था, चूँकि कोरोना काल था और कई तरह की परेशानियाँ निकली। पंडाल बनेंगे लेकिन लोगों को 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, ये तमाम तरह के गाइडलाइंस इस बार निकल कर सामने आए हैं। तो मंदिरी इलाके की प्रतिमा हम आपको दिखा रहे थे जो खड़े धनिये से बनाया गया है। 10 छात्र की टीम ने इसे मिलकर बनाया है जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। तो आपको बता दें कि पटना के जो तमाम इलाकों में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और प्रतिमाएं लगाई गई हैं, अलग अलग तरीके से प्रतिमा बनी है और कई जगह पर पंडाल्स की जो हाइट होती थी उसे भी छोटा किया गया। हालांकि जो खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं, प्रतिमा को जिस रूप में बनाया गया है ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र है और कई लोग जो है इसको देखने के लिए भी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रतिमा और आकर्षण का केंद्र मंदिरी का ये इलाका और यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। वो तमाम अपडेट्स दुर्गा पूजा को लेकर के हम आपको बताएंगे अपने सहयोगी W के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना।